अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्लिप डिस्क और डिस्क पर लैप्स होने के चांसेस मॉर्निंग में क्यों बढ़ जाते हैं और हम इससे किस तरह बच सकते हैं और कायरोप्रैक्टर तर्ज इलाज से विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं वो कैसे सेहतयाब हो सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और कुछ ने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा, 70-80% स्लिप डिस्क और डिस्क पर लैप्स होने के चांसेस सुबह के टाइम बढ़ जाते हैं। आप लोगों किसी दोस्त या रिश्तेदार को अगर ये प्रॉब्लम हुई हो तो आप उससे पूछें कि स्लिप डिस्क आपको कैसे हुई, तो वो आपको बताएगा कि सुबह के टाइम जस्ट वो सिर्फ आगे की तरफ झुका ही था और एक सडन जर्क और ही हर्ड अ क्लिकिंग साउंड और वो वहाँ पर ही रुक गया। This is called slip disc or disc prolapse. आज मैं कायरोप्रैक्टर असद आपको बताऊंगा स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस मॉर्निंग में क्यों बढ़ जाते हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है। और एक पेशेंट से आपको मिलवाएंगे जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं और कायरोप्रैक्टर तर्ज इलाज से उनकी एडजस्टमेंट करके बताएंगे कि आप इस कायरोप्रैक्टर तर्ज इलाज से कैसे सेहतयाब हो सकते हैं। स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस मॉर्निंग में क्यों बढ़ जाते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक मॉडल को समझना होगा। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका सुपीरियर वर्टेब्रा मतलब कि ऊपर वाला मोरा, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये आपकी डिस्क है, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपका इन्फीरियर वर्टेब्रा मतलब कि नीचे वाला मोरा, और ये जो बैक पे गुजर रही हैं ये आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं। आइए अब आपको समझाते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम हमारे वर्टेब्रास का हमारी डिस्क के ऊपर। जब रात में हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में होती है और हॉरिजेंटल पोजीशन में एक अनलोडिंग डिस्क पोजीशन होती है। आप लोग सब जानते होंगे हमारी डिस्क जो है वो एक फ्लूड है, तो रात में जिस कदम हम सोते हैं तो हमारी जो डिस्क है वो अनलोडिंग पोजीशन में होती है, और अनलोडिंग पोजीशन में होने की वजह से हमारी जो डिस्क है उसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब होता है, और वाटर अब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी डिस्क में हाइट गेन होती है। तो रात में हमारी तमाम डिस्कें जो हैं वो स्लाइडली 1-2 सेंटीमीटर अपनी हाइट इंक्रीज करती हैं। जी वाटर अब्जॉर्प्शन और इंक्रीज इन डिस्क हाइट की वजह से हमारी जो डिस्क है वो ज़्यादा हरकत में आ जाती है। मसलन जिस कद हम आगे की तरफ झुकते हैं बकेट उठाने के लिए या शूज़ पहनने के लिए, तो जो ज़्यादा हरकत में आई हुई डिस्क है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रलैप्स होने के। आइए अब आपको बताते हैं कि जिस कद हम दिन में स्ट्रेट खड़े होते हैं और वर्टिकल स्पाइन पोजीशन होती है उस कद आपके वर्टेब्रास का लोड आना शुरू हो जाता है आपकी डिस्क के ऊपर, और आपकी जो डिस्क है वो स्क्वीज होना शुरू हो जाती है और अपना वेट लूज करती है, जो कि एक लोडिंग डिस्क पोजिशन होती है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक पोटेशियम सोडियम अब्जॉर्ब करती है हमारी डिस्क, और वाटर जो है वो बाहर निकाल देती है इन लोडिंग डिस्क पोजीशन। और अनलोडिंग डिस्क पोजीशन वाटर अब्जॉर्ब करती है हमारी डिस्क और इलेक्ट्रोलाइट्स स्क्वीज हो जाते हैं। जी नाज़रीन, और ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये जो लोडिंग एंड अनलोडिंग पंपिंग एक्शन मैकेनिज्म जो है ये हमारी डिस्क को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बायोमैकेनिकल फंक्शन में हेल्प आउट करता है। स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस मॉर्निंग में क्यों बढ़ जाते हैं, जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम मॉर्निंग में हमारी डिस्क में वाटर अब्जॉर्ब हुआ होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोलैप्स होने के। तो जिस कद आप मॉर्निंग में कोई उठते साथ ही काम करें तो झुक के कोई वजन मत उठाइए। अगर आपने कोई ऐसा काम करना भी है तो पहले आप स्ट्रेट लोडिंग डिस्क पोजीशन में आइए ताकि आपकी डिस्क स्क्वीज आउट हुई हो और तमाम डायरेक्शंस में बराबर हुई हो ताकि उसके प्रलैप्स होने के चांसेस कम हो जाए। जी नाज़रीन, तो अब हम चलते हैं वीडियो के उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि जिसमें आपको बताते हैं कि कायरोप्रैक्टर तर्ज इलाज से स्लिप डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं और आपको बताते हैं कि विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी कायरोप्रैक्टर तर्ज इलाज से हम स्लिप डिस्क का कैसे इलाज करते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं कि इनके C6 के लेवल पर डिस्क बल्ज हुई हुई है और लोअर बैक पे L4 L5 के लेवल पर डिस्क बल्ज है।
तो अब आपको बताते हैं कि इनकी सर्वाइकल में डिस्क बल्ज होने की वजह से कंधे बाजुओं में खिंचाव और नेक की मूवमेंट में किस हद तक फर्क पड़ चुका हुआ है। मोड़ के दिखाइएगा एक साइड पे, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग। दूसरी साइड पे मोड़िएगा। C6 लेवल पे जिसका डिस्क बल्ज होती है तो आपके गर्दन कंधे बाजुओं में दर्द और खिंचाव आना शुरू हो जाती है। अब इसी तरह हम आपको इनके लोअर बैक L4 L5 डिस्क बल्ज हो चुकी हो तो उनकी मूवमेंट किस हद तक मुतासर हो जाती है। जी भाई लेटिएगा। जी नाजन, अब आपको दिखाते हैं कि L4 L5 डिस्क बल्ज होने की वजह से किस हद तक पेशेंट की लेग मूवमेंट मुतासर हो जाती है और कितने खिंचाव और कितनी पेन आना स्टार्ट हो जाती है। जी भाई अपनी राइट टांग को उठाइएगा और कहीं पेन आए या दर्द महसूस हो तो उसको उधर ही रोक दीजिए। जी डॉक्टर। ठीक है, आप रख दीजिए और इसी तरह दूसरी टांग को उठाइएगा। जी रख दीजिए। जी नाजन, जिस तरह की आपने देखा कि इनकी राइट और लेफ्ट लेग में 10-20% टोटल ब्लड आ रहा है और लेफ्ट टांग में तो बकायदा कांप रही है इनकी टांग, क्योंकि उसमें ब्लड की सप्लाई मुतासर हो चुकी हुई है डिस्क बल्ज होने की वजह से। जी भाई गर्दन मोड़िएगा जितनी मोड़ सकती है, बस इधर छोड़ दीजिए और इस तरफ। तो जी नाजन, ये थी इनकी सर्वाइकल की एडजस्टमेंट। तो अब हम चलते हैं इनकी लोअर बैक एडजस्टमेंट की तरफ। मेरी तरफ करवट ले लीजिए। तकलीफ हो रही है करवट लेने में? जी। एक गहरा सांस लीजिएगा और रिलीज कीजिएगा। तो जी भाई एक गहरा सांस लीजिएगा और रिलीज करें। तो जी नाजन, आपने देखा सर्वाइकल और लोअर बैक की एडजस्टमेंट्स। अब हम आपको इनकी मूवमेंट करके दिखाते हैं कि आफ्टर एडजस्टमेंट इनकी पेन और मूवमेंट में किस हद तक बेहतरी आ चुकी है। तो भाई अपनी राइट लेग उठाइएगा। घबराए नहीं, जिधर पेन आए उधर बताइए मुझे। कोई पेन दर्द? कोई नहीं दर्द। रख दीजिए। आप दूसरी टांग को उठाइए। कोई दर्द पेन कमर पे टांग में कोई खिंचाव? नहीं डॉक्टर। रख दीजिए। तो अब हम इनकी सर्वाइकल की मूवमेंट दिखाते हैं आपको कि एडजस्टमेंट के बाद वो किस हद तक बेहतर हुई और पेन में किस हद तक कमी आ चुकी है। अपनी गर्दन को मोड़िएगा। कोई दर्द या पेन? कोई नहीं। इस तरफ मोड़िए। कोई खिंचाव पेन? कोई नहीं। ठीक हो गया। जी नाजन, जैसा कि आज आपने एक पेशेंट को देखा जिनके C6 L4 L5 पे स्लिप डिस्क थी और C6 के लेवल पे बल्ज होने की वजह से गर्दन कंधे बाजुओं में दर्द और खिंचाव आना शुरू हो जाता है और L4 L5 के डिस्क बल्ज की वजह से आपके कमर दर्द, शटीका, पाँवों में दर्द, टांगों का सुन होना, ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा, और ये नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मेरे साथ रابطہ कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।